सो हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू अनदर वीडियो। तो गाइस, आप लोग अगर फ्री फायर खेलते हो एंड फ्री फायर गेम के अंदर आप लोगों ने जो है डिजर्टिकल गन का नाम तो सुना ही होगा। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। एंड आप लोगों ने अगर डिजर्टिकल गन का नाम नहीं सुना होगा तो गाइस, आप लोग जो है फ्री फायर को डिलीट करके लूडो खेलने लग जाओ। गजब बेइज्जती है। एंड अगर डिजर्टिकल गन का नाम सुना होगा तो गाइस, आपको ये भी पता है जो डिजर्टिकल गन से जो है बहुत सारे बंदे जो है हेडशॉट नहीं मार पाते हैं। तो आप लोगों ने क्या सोचा, मैं बोलूंगा जी आप लोगों का जो है हेडशॉट लगता है, आप लोगों का जो है हेडशॉट नहीं लगता, लेकिन आप लोग जो है बहुत ज्यादा कोशिश करते हो लेकिन आप लोग का जो है वन टाइम हेडशॉट नहीं लगता है डिजर्टिकल से। ओके, बात तो सही है। तो गाइस, आप में से जो है 90% बंदे डिजर्टिकल गन से जो है लॉन्ग रेंज में जो है हेडशॉट मार लेते हो, लेकिन गाइस जो है शॉर्ट रेंज में एंड मिडिल रेंज में आप लोग जो है हेडशॉट नहीं लगता, मतलब आप लोगों का जो एम होता है ये बॉडी में ही लॉक हो जाता है। ओके, एंड जो है हेडशॉट नहीं लगता। एंड गाइस, कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिन लोगों का जो है हेडशॉट जो है लॉन्ग रेंज में नहीं लगता एंड शॉर्ट रेंज से जो है अच्छा से लग जाता है। ओके, एंड गाइस, आप लोगों को जो है गेम के अंदर कुछ अखंड पीडो प्लेयर देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि है उन लोगों का हेडशॉट जो है कहीं पर भी नहीं लगता, मतलब लॉन्ग रेंज शॉर्ट रेंज कहीं पर भी नहीं लगता, दिनों रात एक करके जो है गेम खेलते हैं लेकिन जो है हेडशॉट नहीं लगता। तो गाइस, आप लोग जो है टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा आप लोग जो है क्या कुछ गलती करते हो जिसके वजह से आप लोगों को जो है डिजर्टिकल से हेडशॉट नहीं लगता। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एंड आप लोगों को जो है क्या कुछ सेटिंग करना होगा एंड सारा कुछ जो है इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊंगा। सेंसिटिविटी को आप लोगों को क्या रखना है एंड क्या कुछ करना है जो है आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को जस्ट एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बताना। एंड गाइस, जो जो बंदे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हुए उन लोगों को जो है थैंक यू। एंड गाइस, एक जो है वीडियो के लिए लाइक कर देना। एंड गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक प्यार सा कमेंट कर देना। ओके, क्योंकि कमेंट करने से जो है मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। तो गाइस, एक कमेंट आप लोग जो है कर देना। ओके, एंड हम लोग जो है आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, डिजर्टिकल गन से आप लोग अगर मक्खन की तरह वन टाइम हेडशॉट मारना चाहते हो तो गाइस, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आप लोगों का सेंसिटिविटी सेटिंग, मतलब आप लोगों का अगर एक अच्छा सा सेंसिटिविटी सेटिंग नहीं रहेगा तो गाइस आप लोगों का जो है कभी भी हेडशॉट नहीं लगने वाला डिजर्टिकल से। ओके, आप लोग जितना भी प्रैक्टिस कर लो आप लोगों को जो है हेडशॉट कभी भी नहीं लगने वाला, मतलब आप लोगों का जो एम होता है ये बॉडी में लॉक हो जाएगा नहीं तो हेडशॉट नहीं लगेगा, मतलब बहुत सारा आप लोगों को जो है प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिलेगा। तो गाइस, जनरल सेंसिटिविटी जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। गाइस, आप लोगों को जो है जनरल सेंसिटिविटी को जो है कहीं पर भी सोचना नहीं है, इसको जो है आप लोगों को जो 100 कर देना। ओके, जनरल सेंसिटिविटी को एंड रेड डॉट को भी आप लोगों को जो 100 कर देना है। एंड इधर पे जो है टू स्कोप फोर स्कोप स्नाइपर स्कोप है गाइस, इसको कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करता, आप लोग जो इधर को अपने हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो। आप लोग अगर चलाते हो स्नाइपर तो गाइस इधर पे रख देना है। ओके, एंड गाइस आप लोग ये वाला जनरल सेंसिटिविटी कर लेना है। एंड गाइस, इधर पे भी आप लोग अगर सेंसिटिविटी थोड़ा कम लगती है तो गाइस आप लोग जो है थोड़ा सा डीपीआई बढ़ा सकते हो। ओके, आप लोग अगर अच्छा सा मोबाइल है, मतलब रैम अगर 6 से 8 GB तक है तो गाइस आप लोग जो है 200 से 300 तक डीपीआई जो है बढ़ा सकते हो, इसीलिए से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड गाइस, आप लोग अगर लो रैम का डिवाइस है, मतलब लो डिवाइस है तो गाइस आप लोग जो है डिफॉल्ट से 100 तक बढ़ा सकते हो। ओके, इससे आप लोग का जो है काम हो जाएगा, मतलब सेंसिटिविटी आप लोग जो है बहुत ही अच्छा आप लोग को जो है रखना है। ओके, सेंसिटिविटी जो है हेडशॉट के लिए ज़्यादातर मैटर करता है। तो गाइस, इधर से हम लोग को जो है फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है एंड सेकंड स्टेप में आप लोग क्या गलती कर देते हो वो मैं बताता हूँ। ओके, तो गाइस आप लोग आ जाते हैं हम लोग नंबर टू की तरफ। तो गाइस, नंबर टू में आप लोग इधर पे कस्टमाइज्ड पे आ जाना है। एंड कस्टमाइज्ड आने के बाद जो है बहुत सारे बंदे का इधर पे जो है बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं। ओके, एंड पहला गलती जो होता है ये वाला जो फायर बटन है इसको जो है बहुत ही ऊपर रख देते हैं, मतलब उस लोगों का क्या प्रॉब्लम होता है क्या मुझे पता नहीं, जो इसको फायर बटन को जो है बहुत ऊपर रख देते हैं, मतलब ऐसे जगह पर रख देते हैं। ओके, एंड इधर से आप लोग अगर देखोगे तो गाइस ड्रैग करने के लिए थोड़ा सा जगह मिलता है। ओके, तो गाइस आप लोग जो इसको ऊपर नहीं रखना, आप लोग जिसको एकदम नीचे रख देना है। ओके, मतलब आप लोगों को बहुत ही नीचे रखना है एंड इसको अगर नीचे नहीं रखोगे तो गाइस आप लोगों को जो है कभी भी हेडशॉट नहीं लगेगा, आप लोगों को हमेशा इसको नीचे क्यों रखना है। एंड आप लोगों को एक बात का और भी ध्यान देना है, इसका जो साइज़ होता है बहुत सारे बंदे जो है बहुत बड़ा कर लेते हैं, मतलब इतना बड़ा कर लेते हैं। ओके, तो इतना बड़ा फायर बटन से जो है ड्रैग करने के लिए मतलब बहुत ही प्रॉब्लम होता है। तो आप लोगों का अगर मतलब नॉर्मल मोबाइल की जैसा डिस्प्ले तो गाइस आप लोग जो है इसको 54K 52 ऐसा कुछ रख सकते हो। ओके, मतलब छोटा करके रख सकते हो 50 से ऊपर थोड़ा सा। आप लोग अगर थोड़ा छोटा फ़ोन है तो गाइस आप लोग जो है इसको 40 के आसपास रख सकते हो, मतलब बड़ा नहीं करना आप लोगों को, और बड़ा कर देते हो तो गाइस आप लोग जो है ड्रैग नहीं होगा एंड वन डे भी हेडशॉट नहीं लगेगा। तो ये बातों का आप लोगों को जो है इधर पे ध्यान रखना है। एंड आप लोगों को जो है कभी भी
इधर पे जो है ग्लू वॉल जो होता है गाइस, इसको जो है कभी भी राइट साइड में नहीं रखना, आप लोग जो है इसको लेफ्ट साइड में रखना है ओके। क्योंकि अगर आप लोग राइट साइड में बहुत ज़्यादा चीज़ रख दोगे तो गाइस आप लोग जो है इतना जो है राइट हैंड से आप लोग मतलब टच नहीं कर पाओगे एक साथ ओके। तो गाइस आप लोग जो है लेफ्ट हैंड की तरह जो अपना ग्लू वॉल को रखना है एंड ऊपर नीचे आप लोग अपने हिसाब से रख लेना है। एंड जो फायर वाला बटन होता है इसको आप लोगों को जो है हमेशा से राइट हैंड से ड्रैग करना है ओके। एंड हमेशा से आप लोगों को जो है नीचे की ओर रखना है। तो गाइस आप लोग अगर ये वाला प्रोसेस कर लेते तो गाइस आप लोग जो है डिजर्ट ईगल से बहुत इजीली हेडशॉट लगने वाला है। तो गाइस कुछ बंदे जो है गलती कर देते, मतलब जो क्या गलती करते, देखो ये जो एम होता है आप लोग देख सकते हो ये वाला एम ओके। एंड ये वाला एम को जो है बहुत सारे बंदे मतलब इतना नीचे को रखते हैं, मतलब जब भाग देना तब इतना नीचे रख देते हैं। एंड बहुत सारे बंदे जो है क्या करते हैं ऊपर की ओर एम रख के भागते हैं। तो गाइस आप लोगों को ऐसा नहीं रखना, आप लोगों को ये वाला जो एनिमी है इसका जो मिडिल रेंज होता है गाइस उधर पे आप लोगों का जो एम होता है इसको आप लोगों को रखना है, मतलब ऐसे करके आप लोग बोल सकते हो। इधर पे रखने के बाद आप लोगों को जो है भागना है, मतलब आप लोग भाग सकते हो। एंड इधर पे क्या होता है आप लोग जब एनिमी आता है देख सकते हो मेरे पास एक एनिमी है एंड इसको आप लोग अगर मारोगे तो गाइस ऐसे आप लोगों का जो है हेड लगेगा ओके। तो गाइस इधर पे जो है इधर से देख सकते हो आप लोग जो एनिमी का एम होता है, मतलब आपका एम इधर पे एकदम मीडियल रेंज में रख के आप लोगों को जो है भागना है ओके। एंड ऐसा करने से आप लोगों का जो है जब आप लोग के सामने एनिमी आएगा गाइस आप लोग का जो है एम ऊपर नीचे नहीं होगा, आप लोग डायरेक्ट उसको मार सकते हो, इजीली से उसका जो है हेडशॉट लग सकता है ओके। मतलब 100% चांस नहीं है लेकिन लग सकती है, आप लोग अगर ठीक से ड्रैग करोगे तो गाइस आप लोगों का जो है 100% जो है हेडशॉट लगेगा। तो गाइस आप बात करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट में जो है बहुत सारे बंदे इधर पे गलती कर देते हैं, मतलब क्या गलती करते हैं, देखो जो ड्रैग वाला बटन है इसको जो है सीधे की ओर ड्रैग कर दे। तो गाइस आप लोग अगर सीधे की ओर ड्रैग करोगे तो गाइस आप लोगों को जो है लॉन्ग रेंज में तो हेडशॉट लग जाएगा, लेकिन गाइस शॉर्ट रेंज एंड मीडियम रेंज में आप लोगों को जो है सीधे ड्रैग करने से कभी भी हेडशॉट नहीं लगेगा। आप लोग मतलब जो शॉर्ट रेंज में हेडशॉट मारने के लिए आप लोग जो है रोटेशन ड्रैग करना पड़ता है ओके। एंड आप लोग अगर रोटेशन ड्रैग नहीं करोगे तो गाइस आप लोगों को जो है हेडशॉट नहीं लगेगा। सीधे ड्रैग करने से जो है एम होता है वो एनिमी के वो मतलब बॉडी में जो लॉक हो जाता है ओके, मतलब उधर से जो है एम लॉक हो जाता है और जो है हेड में नहीं लगता। अगर लॉन्ग रेंज की बात करें तो गाइस लॉन्ग रेंज में आप लोग थोड़ा अगर मतलब लॉन्ग में होगे थोड़ा सा ड्रैग कर देते ऊपर की ओर तो गाइस आप लोग जो है हेडशॉट लग जाता है ओके। लेकिन जो है शॉर्ट रेंज में हेडशॉट नहीं लगता। तो गाइस आप लोग जो है देख सकते हो ये वाले स्क्रीन के ऊपर मैंने आप लोगों को दिखा दिया, ऐसे करके आप लोग जो है रोटेशन ड्रैग करना। तो गाइस आप लोगों को जो है एक बार नीचे की ओर लेना है ओके। एंड इसके बाद जो है आप लोगों को जो है ऊपर की ओर खींच देना है, मतलब आप लोगों जो है आप लोगों का एनिमी राइट साइड भाग रहे तो गाइस आप लोगों को जो है राइट साइड के नीचे की ओर करना है एंड उसके बाद जो है ऊपर की ओर सीधे ड्रैग कर देना है ओके। मतलब रोटेट करके ड्रैग कर देना है। आप लोग अगर ऐसे करके ड्रैग करते हो तो गाइस आप लोगों को जो है शॉर्ट रेंज में भी हेडशॉट लगेगा। तो गाइस आप लोगों को मैंने जितना ट्रिक बताया गाइस आप लोग अगर सारा कुछ फॉलो कर लेते हैं तो गाइस आप लोगों को जो है डिजर्ट ईगल से शॉर्ट रेंज लॉन्ग रेंज एंड मिडिल रेंज तीनों रेंज से आप लोग जो है इजीली से हेडशॉट लगने वाला है ओके। तो गाइस आप लोग जो है ये वाला ट्रिक को अप्लाई करो एंड ट्रेनिंग ग्राउंड में जो है थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लो तो गाइस आप लोग जो है इजीली से हेडशॉट लग जाएगा। तो गाइस आई होप आज का वीडियो कैसा लगा ऑब्वियसली कमेंट बता देना, चैनल पर पहली बार चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही ओके।